और अब घोषणा पत्र की बड़ी बातें आपको बताते हैं, जिसमें रोजगार की गारंटी, 2036 में ओलंपिक की मेजबानी, 3 करोड़ लखपति दीदी, महिला आरक्षण लागू होगा, मछुआरों के लिए योजना है, ओबीसी एससी एसटी को हर क्षेत्र में सम्मान, अयोध्या का और विकास करेंगे, विश्व भर में रामायण उत्सव मनाया जाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, भारतीय न्याय संहिता लागू होगी, वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा, देश के चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन, 1000 से ज्यादा विमानों का ऑर्डर दिया गया है, बीजेपी विकसित भारत के लिए संकल्पबद्ध है, भारत विश्व बंधु के तौर पर मानव निर्माण के लिए प्रयासरत है। तो आज बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हुआ है। और देखिए, 70 साल से ज्यादा आयु के प्रत्येक व्यक्ति को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा, यह भी इस मैनिफेस्टो में घोषणा की गई है। गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर दिए गए हैं। अगले 5 साल में 3 करोड़ घर बनाने का संकल्प है इस मैनिफेस्टो में। और आपको बता दें कि बीजेपी के संकल्प पत्र पर 4 जून के बाद तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार ने 100 दिन के कार्य पर काम करना भी शुरू कर दिया है, यानी कि 100 दिन का टारगेट लेकर चला जा रहा है। नए भारत को अब रोकना असंभव है। संकल्प पत्र को देश के सामने आशीर्वाद के लिए रख रहा हूं, ये पीएम मोदी ने कहा था। तो आज बीजेपी का मैनिफेस्टो बीजेपी ने जारी किया है, और ये चुनावी घोषणा पत्र सभी के लिए, जिसमें कई सारे वादे किए गए, और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो युवा, रोजगार, महिला और किसान, इन चारों को मुख्य तौर पर रखते हुए और फोकस रखते हुए कई सारी घोषणाएं इस मैनिफेस्टो में की गई। और आपको बता दें कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो इस मैनिफेस्टो में कही गई हैं। देश के चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन देने का भी वादा किया है, और घोषणाएं बहुत सारी हैं, लेकिन हम आपको कुछ बड़ी बड़ी मोटे तौर पर कुछ बातें बता रहे हैं, जिसमें कि रोजगार की गारंटी दी गई है, और 2036 में ओलंपिक की मेजबानी भी दी गई है, 3 करोड़ लखपति दीदी का वादा भी किया गया है, महिला आरक्षण लागू किया जाएगा ऐसा भी कहा है, मछुआरों के लिए योजना बनाई गई है, ओबीसी एससी एसटी को हर क्षेत्र में सम्मान दिया जाएगा, अयोध्या का और ज्यादा विकास किया जाएगा, विश्व भर में रामायण उत्सव मनाया जाएगा, भ्रष्टाचार की बात करें तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ये भी कहा गया है, भारतीय न्याय संहिता लागू होगी, जिसमें कि आपको बता दें वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा। ये तमाम घोषणा पत्र में चीजें हैं जो लागू की गई हैं, बताई गई हैं कि आपको इस घोषणा पत्र में अब ये मिलने वाला, और ये वही घोषणा पत्र है जो जन जन से पूछा गया था कि आपको इस घोषणा पत्र में क्या चाहिए, आपकी क्या इच्छा है। तो इस घोषणा पत्र में कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। 1000 से ज्यादा विमानों का ऑर्डर भी दिया गया है। बीजेपी विकसित भारत के लिए संकल्पबद्ध है, और भारत विश्व बंधु के तौर पर मानव निर्माण के लिए प्रयासरत है। 70 साल से ज्यादा आयु के प्रत्येक व्यक्ति को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा, ये भी इस बात का भी इस मैनिफेस्टो में जिक्र है। वहीं गरीबों की बात करें तो वहां 4 करोड़ पक्के घर उन्हें दिए जाएंगे। अगले 5 सालों की अगर बात करें तो अगले 5 सालों में 3 करोड़ घर बनाने का संकल्प लिया गया है इस मैनिफेस्टो में। बीजेपी के संकल्प पत्र पर 4 जून के बाद तेजी से काम किया जाएगा और शुरू हो जाएगा। सरकार ने 100 दिन के कार्य पर काम करना शुरू भी कर दिया है। 100 दिन का टारगेट लेकर इस काम को किया जा रहा है। नए भारत को अब रोकना असंभव है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, और ये सभी बातें आज के इस मैनिफेस्टो में दर्शाती हैं। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, उसके बाद आज जो है बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, और ये सभी बातें जो है उस घोषणा पत्र में सबके सामने थी। संकल्प पत्र को देश के सामने आशीर्वाद के लिए रख रहा हूं, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें हैं जो जनता के लिए इस घोषणा पत्र में रखा गया है, और इस घोषणा पत्र को शुरू करने से पहले क्या कुछ इसमें किया जाएगा, क्या कुछ इसमें जोड़ा जाएगा, ये जनता से ही पूछा गया था, उनके
सुझाव मांगे गए थे और 15 लाख से ज्यादा सुझाव आए थे, ये भी हम आपको बता देते हैं, और जो कि कुछ वीडियो के माध्यम से आए थे, कुछ पत्र के माध्यम से आए थे और कुछ जो है अब वो डिजिटली आए थे, जिसके बाद में ये तय किया गया कि उनमें से इस घोषणा पत्र में क्या सही बैठता है और क्या जनता के लिए सही हो सकता है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई सारे बातें कही है। और लखपति दीदी, करोड़पति दीदी के बारे में भी मैंने आपको बताया, जो कि अब 3 करोड़ लखपति दीदी जो है उन्हें विकसित किया जाएगा, यानी कि महिलाओं को लेकर देखिए इस मैनिफेस्टो में काफी ज्यादा बात की गई है। रोजगार की गारंटी सबसे पहली हमने आपको पॉइंट बताया जिसमें कि रोजगार की गारंटी दी जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कई भाषणों में यह भी कहा है कि मोदी की गारंटी यानी कि गारंटी की भी गारंटी देते हैं, यानी कि ये जो मैनिफेस्टो में घोषणाएं की गई है वो पक्के तौर पर पूरी ही होने वाली है। और हमारे साथ आशीष चौहान जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर, हम उनसे ज्यादा अपडेट लेते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ इस खजाने में लोगों के लिए आया है। आशीष, आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, बहुत सारी बातें की गई है, रोजगार की बात कीजिए, महिलाओं की बात कीजिए, और आप लखपति दीदी हो चाहे उसकी बात कीजिए, और आरक्षण की बात कीजिए, किसानों की बात कीजिए, हर एक श्रेणी को हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। अगर देखा जाए जमीनी हकीकत को देखा जाए और जो बातें बीजेपी करती आई है कि घोषणा पत्र में ये घोषणाएं हो जाएंगी, क्या वो गारंटी इस घोषणा पत्र में पूरी होती हुई नजर आई? देखिए, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है और हर वर्ग के लिए इसमें कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है, चाहे रोजगार की गारंटी हो, चाहे महिला आरक्षण की बात की जाए, या फिर SC ST OBC की बात की जाए, या फिर खेलों की बात की जाए, तमाम ऐसे वर्ग के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से साधने की कोशिश की गई है। हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इस मैनिफेस्टो में देखने को मिला है और जो 3 करोड़ लखपति दीदी है उसे भी यहाँ पर रखा गया है। इसके साथ साथ जो सर्वाइकल कैंसर है, अभी हाल ही में सर्वाइकल कैंसर चर्चा में आया था, उसके लिए भी राहत की खबर है। और इसके साथ साथ जो ओलंपिक गेम है उसको भी 2036 तक भारत में कराने को लेकर मैनिफेस्टो में ये पॉइंट रखा गया है। तो कुल मिलाकर के हर वर्ग को यहाँ पर साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक तरफ कांग्रेस भी लगातार ये निशाना साध रही है कि रोजगार की गारंटी नहीं मिल पाती है, गारंटी पर गारंटी सरकार देती है बीजेपी, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो सबसे ऊपर रखा है वो रोजगार की गारंटी रखा है, क्योंकि देश में जिस लिहाज से देखा जाए तो बेरोजगारी की जो संख्या है वो भी कई लिहाज से ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो 33% महिला आरक्षण की बात लगातार बीजेपी करती आ रही है, और हालांकि अभी तक पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, लेकिन 33% महिला आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा पूरे देश में है। और इसके साथ साथ जो SC ST और OBC के जो आरक्षण के सम्मान की बात यहाँ पर बीजेपी ने कही है वो भी एक बड़ा पॉइंट यहाँ पर हो सकता है। देखिए, ओबीसी वर्ग देश में बड़ा वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक को निशाना साधने की कोशिश होती है, और इसके साथ साथ जो SC ST के वोटर्स हैं उसे भी निशाना साधने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन जो खेलों की बात मैं लगातार यहाँ पर कर रहा हूँ कि ओलंपिक जो खेल है उससे भी लगातार जो खिलाड़ियों से निशाना यहाँ पर साधने की कोशिश की गई है, खिलाड़ियों को रिझाने की कोशिश की गई है कि 2036 का जो ओलंपिक है वो भारत में ही होगा। देखिए, आरक्षण की बात हो गई, रोजगार की गारंटी की बात हो गई, खेलों की बात हो गई, और इसके साथ साथ जो भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई की बात भी यहाँ पर खड़ी है अपने मैनिफेस्टो में। लगातार ED की कार्रवाई हो रही है, CBI की कार्रवाई हो रही है, राजस्थान में भी देखने को मिल रही है। पहले पेपर लीक को लेकर ED के छापे पड़े थे, फिर उसके बाद में जल जीवन मिशन को लेकर छापे पड़े थे। इनकी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है, लगातार जो इनकी जाँच भी देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ जो वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल हुआ है। बड़ी चुनौती होगी सरकारों के लिए, क्योंकि एक देश एक चुनाव यदि होता है तो कितना खर्च कम होता है, जो समय की बर्बादी भी होती है, और इसके साथ साथ जो मशीनरी है वो भी पूरे देश में लगती है। तो वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो जिस तरीके से समय की भी बचत होगी और इसके साथ साथ जो आर्थिक भार आ रहा है सरकारों पर वो भी देखने को मिलेगा।
क्योंकि जिस तरीके से, हालांकि इसको लेकर जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी जो कमेटी का भी गठन किया गया और उसने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को भी सौंप चुकी है, और इसके साथ साथ जो भारतीय न्याय संहिता लागू करने की भी यहाँ पर बात की गई है, और मछली पालन को लेकर भी यहाँ पर जो बात की गई है अपने मैनिफेस्टो में, यानी कि कुल मिलाकर हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इस मैनिफेस्टो में देखने को मिल रहा है, चाहे बेरोजगारों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, या फिर जो आरक्षण की बात की जाए, यानी कि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इस मैनिफेस्टो में देखने को मिल रहा है। पूरा जो कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में हर वर्ग को निशाना साधने की यहाँ पर कोशिश की गई है, यानी कि हर वर्ग के वोटर्स को निशाना साधने की यहाँ पर कोशिश बीजेपी ने की है। जी बिल्कुल आशीष, और हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ रखा है इस मैनिफेस्टो में, इसीलिए 15 लाख से ज़्यादा सुझाव जब आए थे सामने तो वो भी चौंकाने वाले थे कि इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में सुझाव भी लोग दे रहे हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि उनके नज़रिए से और उनके भले के लिए वो क्या चाहते हैं वो सीधा उन्होंने सरकार के सामने रखा। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार यही कोशिश की और बहुत सारे कैंपेन भी इसलिए चलाए कि ताकि जनता से ही सुझाव मांगे कि आखिर उनके मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में क्या वो चीज़ें हों जो उनके लाभ के लिए। बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये